Hello dear students, welcome back in online teaching. Today we are going to take information about the book of geography grade 6 lesson number 4. Okay, so dear students, aaj hum dekhne wale hai book geography grade 6 aur lesson number 4. Yahan par aaj hum dekhenge jiska naam hai maps. Theek hai, to aapne ye naam suna hoga maps. Maps ka matlab hota hai naksha. Nakshe ka istemal hum kis baat ke liye karte hain, maps ka istemal hum kis aur kin baaton ke liye karte hain, ये आप लोगों को मालूम है. यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाई दे रही है जिसमें आपको क्या दिखाई देगा, डायरेक्शंस दिखाई देगी. यानी कि अगर आप किसी नए प्लेस पर जाते हो कभी कभी जहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको ना हो, तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो, आपकी जो प्लेस है पर्टिकुलर प्लेस ढूंढने के लिए मैप का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नक्शे का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये जो मैप्स होते हैं ये किस तरह से तैयार किए जाते हैं और मैप्स हमें प्लेसेस ढूंढने में किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानकारी लेंगे. सो लेट्स मूव टू फर्स्ट लाइन. यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब. आपने प्रीवियस चैप्टर में, यानी कि लास्ट जो अपना प्रीवियस चैप्टर है उसमें हमने जो ग्लोब है उस ग्लोब की जो एडवांटेजेस है, उसके जो फायदे हैं वो हमने देखे है. हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल. और उसी के साथ ग्लोब को कुछ मर्यादाएँ होती है, लिमिटेशंस होती है. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only part of the earth, as about our country, state, district, towns and villages, it is of little help. Ab globe kis tarah se helpful hota hai, ek globe jo hai earth ki study, yani ki earth par kaun si country ya fir kaun sa state kahan par hai ye dekhne ke liye globe useful hota hai, lekin uski kya khud hoti hai, kuch maryadaye hoti hai, kuch limitations hoti hai. Wo kis tarah se hoti hai, jab hame पर्टिकुलर किसी कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में, या फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, टाउन के बारे में, या फिर किसी विलेज के बारे में जानकारी ढूंढनी हो, मैप्स में वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर वो प्लेस हुआ है, ये देखने के लिए ग्लोब हेल्पफुल नहीं होता है. तो इसकी ज़्यादातर मदद नहीं होती है जब हमें टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस देखने होते हैं. इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स. अब ऐसी परिस्थितियों में हम मैप्स जो होते हैं, नक्शे जो होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं. अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली. अब मैप क्या करता है कि एक फ्लैट सरफेस जो होता है उस पर मैप को ड्रॉ किया जाता है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट हो, टाउन हो, विलेजेस हो, या फिर कंट्री हो, स्टेट हो, उनका एक अलग से मैप तैयार किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्केल. अकॉर्डिंग टू देयर स्केल, यानी कि स्केल का मतलब होता है यहाँ की डिस्टेंस, जहाँ एक प्लेस का दूसरे प्लेस के साथ जो भी कुछ बिटवीन देम जो भी कुछ डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस दिखाने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है स्केल. तो स्केल का इस्तेमाल मैप में डिस्टेंस दिखाने के लिए किया जाता है. बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली. और इसे किसी भी तरह से राउंड शेप देना मुश्किल होता है, इसे फ्लैट पेपर ही या पर फ्लैट सरफेस पर तैयार किया जाता है. वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पोजेस. वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स. अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट एज अ बिग बुक. अब कुछ मैप ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी सी या फिर किसी विलेज की, टाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं. और एक दूसरा एक प्रकार होता है अनदर मैप, यानी कि एक दूसरा मैप होता है वो एज अ बिग बुक, यानी कि एक बड़ी किताब की तरह हर जगह की, हर प्लेस की इंफॉर्मेशन उसमें होती है. हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर प्लेस की इंफॉर्मेशन हम उसमें फाइंड कर सकते हैं. व्हेन मेनी मैप आर पुट टुगेदर, और जब बहुत सारे मैप्स इकट्ठा किए जाते हैं, वी गेट एन एटलास. तो उसका क्या बनता है, एटलास तैयार होता है. बहुत सारे मैप मिलाकर एक क्या होता है, एटलास तैयार होता है. एटलासेस आर ऑफ वेरियस साइजेस. एटलासेस की जो साइज होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती है. वेरियस साइजेस के एटलास होते हैं. मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स. मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. अब मैप्स जो है, मैप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ग्लोब से ज़्यादा, ग्लोब पर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन वी कैन गेन फ्रॉम अ मैप. ओके, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है. लेट्स डू, क्या करना है आपको, टेक एन ओल्ड रबर बॉल एंड ड्रॉ व्हाटएवर यू लाइक ऑल ओवर इट.
You may also mark North Pole and South Pole on it. Now cut this ball with a knife and try to flatten it. Notice how the drawings are distorted. अब एक रबर लेना है आपको, इरेजर लेना है या फिर रबर बॉल लेना है जो कि राउंड शेप में हो, और उस पर जैसे ग्लोब होता है उस तरीके के साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपको ड्रॉ करने हैं। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल ड्रॉ करने हैं और बाद में उसको नाइफ से कट करना है, और नाइफ से कट करने के बाद उसे आप देख सकते हो कि उसकी जो फ्लैट सर्फेस है, फ्लैट उसकी जो साइड है, उसे आपको क्या करना है, नोटिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए। अब जो मैप्स होते हैं, वो मैप्स की टाइप्स कौन कौन सी होती है, किस तरह के मैप्स होते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। ये जो टाइप्स है वो मैप्स की, नक्शों की टाइप्स है। और फिजिकल मैप सबसे पहला जो मैप का टाइप है वो फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप हमें क्या दिखाता है, क्या शो करता है, देखिए, मैप्स शोविंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। फिजिकल मैप किसे कहा जाता है, एक ऐसा नक्शा जिस पर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। इस तरह के ऐसे जो मैप्स होते हैं, नक्शे होते हैं, उन्हें कहा जाता है फिजिकल और रिलीफ मैप्स। नंबर दो पे है, दूसरा है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स में किस तरह की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, जैसे कि पहले में आपको क्या देखना है, अगर आपको किसी माउंटेन, प्लेन, रिवर, ओशियन के बारे में जानकारी देखनी है तो आपको मैप्स की कौन सी टाइप हाथ में लेनी पड़ेगी, फिजिकल मैप। इसमें आप देख सकेंगे प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स। अगर आपको पॉलिटिकल मैप के बारे में जानकारी देनी है या फिर बतानी है कि पॉलिटिकल मैप आखिर होता क्या है, तो देखिए, मैप्स शोविंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं, जो सिटीज होती है, टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं और डिफरेंट जो कंट्रीज होती है, इनकी जो बाउंड्रीज होती है यानी कि इनकी सीमाएं, ये दिखाने वाला जो मैप होता है उसे कहा जाता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, कंट्रीज, इनकी सीमाएं, बाउंड्रीज दिखाई जाती है। ठीक है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि किस सिटी की, किस कंट्री की, किस विलेज की बाउंड्री कहां तक है। ठीक है, नंबर थ्री पे है थीमेटिक मैप्स। अब थीमेटिक मैप्स किसे कहा जाता है, देखिए, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब कुछ मैप्स जो होते हैं, कुछ नक्शे जो होते हैं, उनमें एक विशिष्ट तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है, शामिल होती है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उनमें दी जाती है, सच एज रोड। देखिए आगे क्या है, सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब इसमें जो थीमेटिक मैप्स होते हैं उनमें किसकी, जैसे कि रोड जो होते हैं, रास्ते जो होते हैं, उसके बाद रेनफॉल, उसके बाद मैप शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का डिवाइडेशन भी उसमें, कहाँ पर जंगल स्थित है, इंडस्ट्रीज, जो औद्योगिकरण होता है, जो इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, यानी कि थीमेटिक मैप में अलग अलग तरह के जो यूनिट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि कौन सा रास्ता कहाँ पर है, रेनफॉल यानी कि ज्यादा बारिश के इलाके कौन से हैं, मैप शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का एरिया कहां पर है, इंडस्ट्रियल एरिया कहां पर है, ये सब चीजें ढूंढने के लिए हमें थीमेटिक मैप यूजफुल रहता है, वो हमें मदद करता है, और इन्हीं को कहा जाता है थीमेटिक मैप। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। देखिए मैप के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहला है डिस्टेंस, उसके बाद है डायरेक्शन, उसके बाद है सिंबल। ठीक है, ये थ्री कंपोनेंट्स होते हैं एक मैप के, ये आपको ख्याल में रखना है, हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, दो प्लेसेस के बीच में जो अंतर होता है, दूरी होती है, उसे कहा जाता है डिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन इज मैप्स आर ड्रॉइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स। अब मैप क्या करते हैं, एक फ्लैट सरफेस पर उनको ड्रॉ किया जाता है, और जो स्केल होती है यानी कि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, डिस्टेंस जिससे दिखाया जाता है, उसे कहा जाता है स्केल। तो इस स्केल के मदद से एक फ्लैट सरफेस पर एक
प्लेस का जो डिस्टेंस होता है वो दूसरी प्लेस से कितना है ये बताने की कोशिश की जाती है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली, लेकिन ये काम करते समय बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। अब क्या होता है, किसी चीज का जो डिस्टेंस होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, देखिए अगर समझो ए प्लेस है और ए प्लेस से एक दूसरा प्लेस है बी, अब यहाँ का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस रहा और ये डिस्टेंस लगभग है 500 km, यानी कि 500 किलोमीटर। अब ये जो प्लेस है हमें क्या करना है, नक्शे पे दिखाना है, मैप पे दिखाना है, तो अब 500 किलोमीटर तो हम दिखा नहीं सकते हैं, इसके लिए एक सेपरेट यानी कि स्पेसिफिक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है स्केल, इसे ही कहा जाता है स्केल। स्केल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं। अब स्केल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इतने ज्यादा जो किलोमीटर में जो डिस्टेंस होता है ये कैसे इंडिकेट किया जाता है एक मैप पे, ये हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये रिडक्शन किस तरह से किया जाता है, इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब लार्ज डिस्टेंस जो है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया है, ये जो लार्ज बहुत सब बड़ा या फिर ज्यादा दूरी का जो डिस्टेंस होता है वो कैसे दिखाया जाता है, देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब स्केल का इस्तेमाल, जैसा मैंने आपको बताया है, स्केल इज यूज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है वो बताने के लिए कहां पर स्थित होता है, ग्राउंड पर, एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस और मैप में दिखाया वाला डिस्टेंस, ये दोनों भी सेम हो या फिर एक स्पेसिफिक जानकारी उससे मिले कि, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए 5 सेंटीमीटर यानी 500 किलोमीटर अगर दिखाया जाए, तो अगर मैप पे हम 5 सेंटीमीटर कहीं पे देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि ये 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल डिस्टेंस और मैप का डिस्टेंस जो है वो दिखाने के लिए आपको समझना है कि स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। अब देखिए अगर आपके घर का और आपकी स्कूल का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो समझिए 10 किलोमीटर है। इफ यू शो दिस 10 km डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। अब आप क्या कर सकते हो, आपको अगर कहा कि आपकी स्कूल का और आपके घर का जो डिस्टेंस है वो एक मैप पर दिखाओ, तो मैप पर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तो नहीं रख सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि जो यूनिट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कैसे रहेगा, फिर आपको दिखाना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का होता है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पर 2 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर 2 सेंटीमीटर मीन्स 10 किलोमीटर, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर का कंसिडरेशन होता है एज अ 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर। अब एक्चुअल अगर डिस्टेंस देखा जाए, ये 2 सेंटीमीटर दिखाया गया है मैप पे, और इसका एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस अगर देखा जाए तो वो होता है ये 5 to 10 किलोमीटर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। द स्केल ऑफ योर ड्रॉइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा है। दस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। तो बच्चों अगर आपको मैप पे डिस्टेंस दिखाना है, डिस्टेंस आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो सबसे पहले जरूरी बात होती है कि आपको स्केल के बारे में, जो डिस्टेंस कैसे दिखाना है मैप पर या फिर नक्शे पे, डिस्टेंस आपको किस तरह से इंडिकेट करना है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी लेना बेहद जरूरी है, तभी आप दो प्लेसेस में जो भी कुछ डिस्टेंस होता है वो क्या कर पाओगे, इंडिकेट कर पाओगे, ठीक है। देन है देखिए, व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज स्मॉल स्केल। अब कभी कभी क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स यानी कि जो खंड होते हैं, कंट्रीज होती है, वो दिखाने के लिए स्मॉल स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल हमने देखा है। ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। अब जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं, कभी कभी उनमें क्या होता है कि सेंटीमीटर में जो 500 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस होता है, एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस, वो भी दिखाया जाता है, उन्हें कहा जाता है स्मॉल स्केल मैप।
अब व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज, अब जैसे कि स्मॉल एरिया होता है, जैसे कि कोई विलेज होता है, और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, अब जब किसी पेपर को इस पे दिखाया जाता है, मैप पे दिखाया जाता है, देन वी यूज अ लार्ज स्केल, अब यहां पर लार्ज स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, अब 5 सेंटीमीटर मतलब कितने किलोमीटर यहां पर लार्ज स्केल में होते हैं, देखिए ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, अब यहां पर जो लार्ज स्केल मैप होती है ध्यान में रखना है आपको, स्मॉल स्केल मैप में 5 सेंटीमीटर मीन्स 500 किलोमीटर्स और लार्ज स्केल में 5 सेंटीमीटर्स मीन्स 500 मीटर्स, ठीक है, तो इसे कहा जाता है लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप, अब लार्ज स्केल मैप जो है वो क्या करते हैं, स्मॉल स्केल मैप जो होते हैं उनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि ग्लोब होता है, ग्लोब से ज्यादा एक एटलास हो या फिर मैप हो, वो फ्लैट पेपर पे, फ्लैट सरफेस पे जो मैप तैयार किया जाता है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसी तरह से लार्ज स्केल मैप जो है वो स्मॉल स्केल मैप से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें उसमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो यहां पर एक ब्लॉक दिया गया है, देखिए क्या है, फिगर 4.1, देयर इज अ स्केल, इट मे बी यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द ट्री इज 5 सेंटीमीटर, अब फिगर 4.1 स्टडी करने के बाद ये सब हमें सॉल्व करते आएगा, इट मीन्स दैट द एक्चुअल डिस्टेंस इज 50 मीटर, अब जो 4.1 जो फिगर है वो आपको ऑब्जर्व करना है और उसमें जो भी कुछ भी बातें दी गई है, जो कुछ चीजें दी गई है उसको अच्छे तरीके से स्टडी करके इस यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है, छुड़ानी है, इसका स्टडी करना है, ओके। तो आई होप यहाँ तक का जो पार्ट है, जो हम लेसन सीख रहे हैं मैप्स, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, रिमेनिंग जो इस लेसन का पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक थैंक यू वेरी मच।